देश में लागू पूर्णबंदी की वजह से दूसरे राज्यों में फंसे बिहार के कामगारों और छात्रों को लेकर सूबे में सियासी उबाल देखने को मिल रहा है। विरोधी लगातार नीतीश सरकार से प्रवासियों की घर वापसी करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन नीतीश सरकार फिलहाल लोगों को घर लाने के मूड में नहीं नजर आ रही है, जिस पर एक बार फिर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। एक तरफ गरीब कामगार लोग हैं जो घर आने को बेताब हैं, दूसरी तरफ बिहार में सियासतदान हैं जो इस मुद्दे को राजनीति के तराजू में तोलने में लगे हैं। नीतीश सरकार प्रवासियों को घर लाने के लिए तैयार नहीं दिख रही है, वहीं विरोधी सुशासन बाबू की सरकार को संवेदनहीन बता रहे हैं। तेजस्वी यादव एक बार फिर इसी मुद्दे को लेकर नीतीश सरकार को घेरते हुए नजर आए हैं। तेजस्वी ने ट्वीट किया, 17 लाख अप्रवासी बिहारी जहां फंसे हैं, वहां की सरकारें उन्हें भेजना चाहती हैं, लेकिन बिहार सरकार उन्हें लाना नहीं चाहती। क्या राज्य ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया है? क्या ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा नहीं है? नीतीश जी के विधायक वीआईपी पास लेकर दिल्ली से बिहार पहुंच सकते हैं, लेकिन कामगार नहीं। वहीं आपको बता दें कि हाल ही में बिहार सरकार ने पटना हाई कोर्ट में जानकारी दी थी, जिसमें सरकार की तरफ से कहा गया था कि देश में पूर्णबंदी के चलते बिहार के 17 लाख से ज्यादा लोग दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं और उन्हें फिलहाल वापस लाना मुमकिन नहीं है। उन लोगों को फौरी सहायता के तौर पर भोजन, राशन और रुपए दिए जा रहे हैं। नीतीश सरकार के इसी बयान को लेकर विपक्ष के तेवर तीखे हो गए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि विपक्षी दलों की तरफ से दबाव बनाने के बाद नीतीश सरकार का रुख बदलता है या नहीं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।